Welcome and welcome back to my channel. I hope you are doing good. So guys, this is me Swati and you are watching Swati's vlog. और स्वागत है आपका आज के एक प्यारे नए से व्लॉग में. तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ माई फेवरेट प्लेस इन माई एंटायर हाउस विच इज़ माई बालकनी. तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने अपने बालकनी में कैसे कैसे प्लांटेशन किया है, क्या क्या प्लांट्स लगाए हैं. और चलो पहले दिखाती हूँ, बाकी की बातें बाद में. ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस प्लांट से. तो देखिए गाइज, ये है प्यारा सा क्रिसमस ट्री हमारा, और जो हमने इसे लगाया था ये छोटू सा था. अब हम इसे हमेशा पानी देते हैं तो ये इतना बड़ा हो गया है. तो पहला ट्री ये है और इसे हमने एकदम अपना जो होम है उसके एंट्रेंस में लगाया है. देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. ये देखो छोटू सा है. तो एक प्लांट ये है और ये भी एक सो पीस है, और इसमें भी बहुत कूड़ा कम होता है. और देखिए इस प्लांट में दो शेड हैं. इसका जो लीव्स है वो पूरी ग्रीन है और बीच बीच में येलो येलो डॉट्स के बीच में है. तो ये भी जब लगाया था बहुत छोटा सा था, अभी भी आजकल अच्छे से हो गए हैं प्लांट, सारे खिल गए हैं अच्छे से. और ये देखिए, ये भी कुछ छोटे छोटे से सोपीस प्लांट हैं, और अभी कुछ दिन पहले मैं ढूंढ गई थी वहाँ से लेकर आई, और बहुत ही जल्दी जो है इनमें ग्रोथ हो रही है. तो ये सेम है, मेरे पास पॉट नहीं था तो फिलहाल मैंने इन्हें पेंट के डब्बे पड़े थे खाली उनमें लगाए हैं. ये देखिए, तो जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे इन्हें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी बड़े से पॉट में. देखिए इनमें वाइट और ग्रीन शेड में ये वाला, ये दोनों प्लांट हैं. एक ये है ये ग्रीन और पिंक के शेड में, अभी जैसे बड़ा होगा तो, और ये जिसमें डॉट्स हैं ना पिंक कलर के, वो और ज़्यादा अपेयर होके आएंगे. एक ये है बेबी पिंक और ग्रीन कलर में, तो काफ़ी प्यारे स्वीट से लग रहे हैं. एक बेल ये है बोगनवेलिया की बेल, और अभी ये इसे होते एक साल हो गए इसे लगी हुई, लेकिन इसमें पहले बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन अब इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है. इस टाइम तो इसमें देखो फूल भी आना शुरू हो गए. तो इसकी भी एक लंबी सी बेल होती है और खिलने के बाद बहुत अच्छा लगता है. एक प्लांट ये है, इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही प्यारे से रेड कलर के फूल हैं. और जब भी मैं माता जी की पूजा करती हूँ, माता जी का फेवरेट होता है रेड फ्लावर, तो मैं उन्हें लगाती हूँ. मैंने भगवान जी के पसंद के हिसाब से फूल लगाए हैं. देखो वाइट मिलने शिव जी को चढ़ते हैं वाइट फूल, इसको बोलते हैं गुल मेहंदी. तो ये दो तीन कलर में आपको मिलेगा, एक होता है पर्पल, एक वाइट पर्पल मिक्स शेड होता है, और ये पूरा वाइट है. देखिए एक और प्लांट है इधर, नेम तो मुझे इसका भी नहीं पता, लेकिन इसका बहुत ही ब्यूटीफुल देखो ये, इसका येलो कलर है, और येलो प्लांट आई मीन येलो इसका फ्लावर होता है. देखिए चलते हैं, मैंने कुछ हैंगिंग गमले भी लगाए हैं. ये देखो मनी प्लांट, ये भी पहले ग्रो नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल सभी जो फ्लावर हैं उनमें अच्छी ग्रोथ होने लगी है. देखिए ये देखो, मैंने इसमें तीन चार लगाई थी कटिंग, लेकिन ये और कोई नहीं हुई, यही हुई अभी, जल्दी ग्रोथ करी ये भी. एक बड़ा सा चौड़े पत्ते वाला ये है सोपीस, देखो इतने बड़े बड़े होते हैं इसके लीव्स, ये भी बहुत अच्छा लगता है. इसमें भी बिल्कुल कूड़ा नहीं होता, और मतलब हर साल भर ही आपको खिला हुआ मिलेगा ऐसे ग्रीन, बहुत अच्छा लगता है. और पानी वाली जगह पर ये स्पेशली आपको देखने को मिलेगा, और इसमें बहुत कम पानी की मतलब ज़रूरत होती है. अगर आप कहीं इधर उधर घूमने चले भी गए कुछ दिन इनमें प्लांट पानी नहीं भी पड़ा तो ये ख़राब नहीं होते. तो एक ये है हैंगिंग, इसका तो आप एक छोटी सी कटिंग तोड़ के ऐसे कहीं भी लगा देंगे तो ये आसानी से हो जाता है. और आपको पता है जैसे हम खुद नहाते हैं, तो मैं इन प्लांटेशन जो प्लांट्स हैं उनको भी मैं कई बार फौरे के नीचे रख कर इन्हें अच्छे से नहलाती हूँ, और तब इन्हें देख के मुझे अच्छा लगता है. और आई थिंक जैसे हमें नहाने के बाद एकदम फ्रेश फील होता है तो इनको भी होता होगा. ये देखिए तो ये भी काफ़ी खिला हुआ है, एकदम लटकने लगा है नीचे के लिए. तो एक हैंगिंग ये है, ये देखिए इसमें हॉट पिंक कलर के, रानी पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो अभी इसमें फ्लावर आना स्टार्ट होने वाले हैं. देखिए इसके ऊपर बड़ा आने लगे ना, इसमें लगेंगे, अभी शुरू हो रहा है. इसमें हमेशा हम पानी डालते हैं इसलिए इतना ग्रीन ग्रीन है. एक ये देखिए खूब चौड़े पत्ते वाला, ये भी साल भर पूरा हरा रहता है, इसमें ज़्यादा प्लांट आई मीन इसमें भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और पूरी ग्रीन ग्रीन है. आप देख रहे होंगे कि इसकी एक भी लीफ येलो नहीं है, ये सूखता भी नहीं है. हाँ ये है कि अगर पानी नहीं दोगे तब तो सूखेगा. एक ये है गुलदावरी का फूल, अभी इसमें फूल नहीं लगे हैं, ये वाइट पर्पल और ऐसे बेबी पिंक कलर का होता है, अभी इसमें फ्लावर नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन ये भी काफ़ी खिला हुआ है. अब ये मतलब फ्लावर देने के लिए रेडी है, कुछ दिन में इसमें फ्लावर्स आएंगे और जब लगेंगे तो मैं आपको जरूर शो करूँगी. तो ये देखिए एक वेराइटी ये है, कुछ दिन पहले ये पूरा खिला हुआ था, इसमें बहुत सारे फ्लावर आए थे, अभी कुछ सूख गए हैं और अभी कुछ कुछ इसमें फ्लावर हो रहे हैं, कुछ झड़ गए हैं. ये आप देख सकते हैं इसमें एक माल्टे का पेड़ हो रहा है, तो फिलहाल तो गमले में हमने इसमें माल्टे का बीज डाला होगा तो इसमें हो गया, तो हम इसे गांव में जाके ले जाएंगे. आई थिंक ये किन्नू का पेड़ है. तो गाइस एक सोपीस हमारा ये है, और अभी ये मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, उस हिसाब से भी काफ़ी ग्रोथ कर गया है. एक मैंने और लगाया सेम, वो काफ़ी बड़ा रखा है. अभी देखिए
और ये देखिए एक फूल यहाँ पे छुपा हुआ है हमारा, ये देखो मेरा गलू, मेरा गलू। तो गाइज एक पेड़ ये है, गुलाब का पौधा है, और कुछ दिन पहले इसमें पिंक कलर के गुलाब लगे थे, गुच्छे वाला ही गुलाब है, तो इसमें छोटे छोटे गुच्छे लगते हैं गुलाब के। तो पापा ने इसकी कटिंग कर दी है और ये वापस रिग्रोथ होने लगी इसके, देखो छोटे छोटे आने लगे हैं। ये है गेंदे का फूल, अब इसमें फूल नहीं आए हैं, कुछ टाइम बाद ही फूल देगा। और जो मैंने आपको पहले प्लांट दिखाए थे ना, पॉट कम था तो हमने इसमें लगा दिया, ये भी बड़ा होगा तो फिर अच्छा दिखेगा। और ये देखो धूप, ये पूरी धूप से भरा हुआ था, अब इसमें धूप सूखने लगी तो पापा ने सारे काट दिए और ये वापस इसमें रिग्रोथ हो रही है। छोटे छोटे धूप के जो पौधे हैं वापस हो रहे हैं, और धूप तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, हर पूजा में काम आती है, इसलिए हमने पॉट में धूप भी लगाई है। बाकी कुछ फ्लावर्स ये हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता, पर ये भी बहुत सारे होते हैं, जब एक साथ दिखने बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये है गुल मेहंदी, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था दूसरे पॉट में, ये इसका ऐसा होता है, प्यारा सा पर्पल शेड है इसका। और ये देखिए दोनों एक साथ देखने को मिल गए, ये वाइट है गुल मेहंदी का और ये है पर्पल, तो ये भी गुच्छे में बहुत सारे लगते हैं तो अच्छा लगता है। ये हमने बाहर के साइड करे, मैंने ना अगर हम बालकनी में जाते तो लगते हैं तो टूट जाएंगे। ये देखिए सेम जो मैंने आपको भी दिखाया था वही वाला फ्लावर है, तो पूरा पॉट हमने इसमें लगाया इसको। और देखिए एक ये है प्लांट, इसमें एक्चुअली एक प्लांट था, आई डोंट नो, वो पूरा सूख गया था तो मैंने वापस ये लगाए, और अब देखो ये पूरा लटक जाता है, अभी कुछ दिन में पूरा गमला भर जाएगा और इसमें भी हॉट पिंक कलर का फ्लावर लगेगा। एक ये देखिए इतने ब्यूटीफुल से फ्लावर हो रहे हैं हमारे, येलो इन शेड एंड ऑल्सो उसका जो वाइट कलर बीच बीच में है, ये भी पूरा गुच्छे में होता है, एक इधर से सूख गया है, तीन हुए हैं, दूसरा ये है इसका एक और पेयर। तो ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं और काफ़ी टाइम तक चलते हैं, आई थिंक साल भर रहते हैं, और इसमें ज़्यादा मतलब कूड़ा नहीं होता, जैसे काफ़ी लीव सूख जाती हैं झड़ती हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है ना। और ये देखिए रेड कलर के वही फ्लावर जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया स्पॉट में वो है। और ये है सदाबहार का पेड़, इसके बहुत सारे प्लांट जो है हमारी छत में भी, पूरा छत भर है हमारे गमलों से, तो इसमें भी फ्लावर आए नहीं, अभी स्टार्ट हो रहा है। एक ये है, ये भी शोपीस है, पर्पल कलर का पूरा प्लांट, साल भर ऐसा खिला रहता है और दिखने में काफ़ी प्यारा लगता है। देखो इसको मैंने कुछ दिन से धुला नहीं, वो ऊपर से ना नहीं तो एकदम पर्पल सा चमकता है। और ये देखिए एक ब्यूटीफुल सा रेड कलर का फ्लावर ये है, ये देखिए ये तो पूरा ग्रीन है और इसमें भी बिल्कुल कूड़ा नहीं होता, बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है ये। ये देखिए एक फ्लावर ये है बेबी पिंक कलर में, और ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं। ये देखो इसकी जो लीव्स हैं बहुत ही पतली पतली हैं, निडल शेप में, तो आजकल इसमें भी फ्लावर लग, ये कुछ बाहर के साइड लगे हैं इसके प्लांट्स में फ्लावर, देखो। और गाइज ये है सूरजमुखी का फूल, तो छत में तो हमारे बहुत सारे सूरजमुखी के फूल लगे हैं, इसमें अब लगेगा, ये ना छोटा है ना इसलिए देर में लगाया। ये है जंगली वाला एलोवेरा, एक एलोवेरा आपने देखा होगा चौड़े पत्ते का, वो भी हमारे छत में लगा है, और ये इसके छोटे छोटा है, ये साल भर ये भी पूरा ग्रीन रहता है, ये देखिए। तो इसके जस्ट बगल में हमने लगाई है तुलसी, और ये है बद्रीनाथ की तुलसी, ये देखिए इतनी प्यारी खिली हुई है ये, और आधी ये है इस साइड। तो कभी भी आपके घर में तुलसी हो, उसके बीज ऊपर से जब सूख जाते हैं तुलसी, उसके बीज डाले, देखो मैंने डाले थे तो सारे नए प्लांट्स वापस से रिग्रोथ हो रहे हैं। और ये मैंने अभी आपको जो लटकने वाले फ्लावर दिखाए थे ना, ये पूरा गमला इससे भरा है, ये मैंने बाहर के साइड डाले हैं ना, ताकि रोड साइड से जब मैंने फ्लावर आए तो दिखे, छोटी छोटी बर्ड आने लगी है इनमें। ये देखो एक बोगनवेलिया की जो कलम है इसमें लगाई थी हमने, इतनी सारी कलम लगाई थी बोगनवेलिया की, लेकिन किसी में भी ग्रोथ नहीं हुई, सिर्फ एक सक्सेसफुल हुई जो आने वाले टाइम में फ्लावर देगी। इसे मैंने छाया में रखा है ताकि सूख ना जाए, इसमें पता नहीं कहाँ से अपना पे एक आलू का पेड़ हो गया था, सूख गया अपना भी, पर इसके नीचे आलू होगा। एक फ्लावर ये है गाइज, और आपने देखा होगा जब शादियाँ होती हैं ना तो डेकोरेशन के लिए कार में जो फ्लावर्स लगे होते हैं ना, वही वाला फ्लावर इसमें आता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कलर के फ्लावर आते हैं, रेड हो गया, येलो हो गया, बेबी पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, तो सारे शेड मतलब आपको इस प्लांट में मिलेंगे। तो ऐसे और भी प्लांट्स हमने छत में लगाए हैं जिनमें अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं, कुछ सोपी से हमने लगाए हैं, इनमें बिल्कुल कूड़ा नहीं होता, ये चीज़ बहुत अच्छी है इनमें। और एक ये है इसका छोटा नज़र लगा है, ये बड़ा हो गया है, और कुछ प्लांट्स ये यहाँ पे लगे हैं। तो ये देखिए ये जो मैंने लटकने वाला फूल अभी दिखाया था ना वही है, तो उसमें हॉट पिंक कलर का फ्लावर आता है, ये देखिए इसमें पीच कलर का है और ये डार्क रेड कलर का है। तो ये सारे अलग अलग कलर के एक साथ लगाए हैं, कुछ दिनों में जब बहुत सारे हो जाएंगे तो मैंने अलग अलग करी। अगर आप इनकी टहनी ऐसे तोड़कर भी लगाएंगे तो ये अच्छे से वापस हरी ग्रोथ कर देगी। और ये जो तुलसी है गाइस, ये है बद्रीनाथ की तुलसी, तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, और हमारे बहुत सारे गमलों में आप खुद ही उग गई है, इसके बीज उड़ के जाते हुए ना तो वापस रिग्रोथ हो जाती है।
और ये देखिए एक प्लांट ये है सदाबहार का पेड़, और इससे पहले मैंने जो दिखाया था उसमें पेड़ ही पेड़ था, ये इसके फ्लावर ऐसे आते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी कॉमन है, लगभग सबके घरों पर हो जाते हैं, और नॉर्मली वैसे भी मैं इसे रास्ते में कई जगह खुद ही ग्रो कर जाते हैं। एक ये प्लांट है, इसमें पर्पल कलर का फ्लावर आता है, अब आने वाले हैं, जब आता है तो पूरा गमला भर जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में लगता है। एक हैंगिंग ये है, इसमें छोटे छोटे ऐसे रुई टाइप का एक फ्लावर होता है, देखिए छोटू सा रहा, तो जब आता है पूरा भर जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में लगता है। एक ये है, देखो कितनी अच्छी मतलब इनकी ग्रोथ हो रखी है अपना। तो मैंने डेकोरेशन के लिए दो पेंट के डब्बे लिए थे, उन पर कलर किया और वेलकम लिखा, और ये जो प्लांट्स हैं हमेशा ग्रीन रहते हैं, इसलिए मैंने इनमें ये ग्रीन प्लांट लगाया, जिसमें मैंने गणपति बप्पा को लगाया है, तो हमारे होम के एंट्रेंस में है। और एक और गणेश जी हमने यहाँ पर लगाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वक्रतुंड महाकाय का वाला जो हमारा मंत्र होता है वो भी लिखा है। इसके ठीक नीचे मैंने एक प्लेट लगाई है जिसमें लिखा है कीप योर चप्पल्स एंड एटीट्यूड आउटसाइड, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं उन्हें मैं बोलती भी हूँ कि अपने जो शूज़ हैं बाहर उतारें, लेकिन वो इतने लिचड़ होते हैं कि वो सुनने के बावजूद भी नहीं निकालते हैं। तो गाइज़ अब मैं आपको अपनी बालकनी का पूरा एक व्यू देती हूँ, आप देखिए कैसी लगती है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी बालकनी, और सारे प्लांट्स मैंने ऐसे लगाए हैं, कुछ यहाँ पर भी रखे हैं, और ये कुछ हैंगिंग्स लगाए हैं, ये देखिए। आजकल ये फ्लावर बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, देखिए। और हमारे घर के जस्ट आगे आप देख सकते हैं आम के पेड़ हैं, आम का बगीचा है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं आम के। अब आम भी जो हैं बड़े हो गए हैं और अचार बनाने के लिए एकदम रेडी। और ये कुछ नींबू के पेड़ लगाए हैं हमने यहाँ पर, ये देखिए साथ में शोकेस भी है। तो ये देखिए ये हो रहे हैं हमारे यहाँ पर सूरजमुखी, और इन फूलों की ये खासियत है कि जिस तरफ सन होता है ना, ये उसी तरफ इनका जो फेस होता है वो हो जाता है, शाम को सन जब दूसरी साइड जाता है तो ये उधर के लिए मुड़ जाते हैं, कमाल है भी, है ना, दो सूख भी गए। एक ही हमारा मनी प्लांट है, पहले ये बहुत ज़्यादा फैल गया था, फिर आई डोंट नो ऐसे क्या हो गया, अब इसकी ग्रोथ रुक चुकी है, और फिर हमने इसकी कटिंग करी एकदम छोटा हो गया, तो वापस जल्द ही इसकी ग्रोथ हो जाए, ऐसे मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं इससे। ये है हमारी अंगूर की बेलें, बाकी कुछ सोपीसेस ये हैं यहाँ पर। ये है नागफनी का पेड़, लोग कहते हैं इसे घर में लगाने से घर में नज़र नहीं लगती है। ये गिलोय की बेल है, बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और इसके अंदर हैं, ये देखिए गाइस। ये है कनेर का पेड़, और देखो इसमें येल्लो कनेर हुआ है, कनेर येलो भी होता है और पिंक भी होता है, कुछ कुछ बर्ड अभी इसमें आ रही हैं, तो इनमें कल तक फूल खिल जाएंगे। तो बहुत सारे प्लांट्स हमारे छत में लगे हैं इतने सारे, कब तक इनके वीडियो बनाऊं। इसमें ऑरेंज कलर का फ्लावर आता है, और बेल है इसकी पूरी लंबी, यहाँ पे गुलाब का है, ये अनार का पेड़, और ये छोटा सा सोफिस यहाँ पर भी है, ये काफ़ी बड़ा हो गया था, बहुत साल में इसमें ग्रोथ करी थी, बट अचानक से पता नहीं क्यों इसका प्लांट ख़राब हो गया, तो हमने वापस इसे लगाया है छोटा, तो कम से कम इसे एक दो साल होंगे वापस उतने बड़े होने में जितने पहले था। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी बेल भी लगाई है, जब हवा चलती है तो ये बसती है, देखो दो फिश बनी है इसमें, बहुत ही प्यारी सी मीठी सी आवाज़ आती है इसमें से। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट अवर बालकनी, आई होप कि आपको पसंद आई हो, और सभी को प्लांटेशन करना चाहिए, और अपने आसपास हम नेचर से जितने ज़्यादा कनेक्ट रहें रहना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, हमारी जो मतलब सोल होती है एकदम पीसफुल एनवायरमेंट, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, पदर जितनी चीज़ें हैं उनके साथ साथ। तो आप भी जरूर प्लांटेशन करें, अपने घर को प्लांट से डेकोरेट करें, डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल जो है प्लांट्स लगाएं, फ्लावर लगाएं, और मस्त रहें अपनी लाइफ में। तो मिलते हैं कल एक नई प्यारे से ब्लॉग के साथ, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लवली ब्लॉग। ये हमारा ढोलक मास्टर है, दीदी से काला काला हो गया है, बेबी दीदी गिर जाएगी, मेरा बाहर निकले थे क्या सीखो बेबी, दीदी को तो पसंद हो। तो मिलते हैं कल गाइस, तब तक ले बाय बाय, राइट आई नहीं टाटा बाय बाय। अब क्या चाहिए तुम्हें, अच्छा मजे में, अच्छा जा तुम।